हेलो फ्रेंड्स, मेरा पास है रियलमी 10 प्रो। तो इस सेट पर अगर आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो कैसे आपको करना होगा, जब भी आप बात करेंगे उस समय आपका ये कॉल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोई मैनुअल प्रेस नहीं करना होगा। तो कैसे आपको ये करना होगा, तो देखिए ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा, जो डायलर ऑप्शंस है डायलर ऑप्शंस को ओपन कीजिए, तो आपको मिलेगा थ्री डॉट पर प्रेस करना होगा, मिलेगा सेटिंग्स पर प्रेस करना होगा, तो सेटिंग्स पर आपको मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस। आपको जब ढूंढना पड़ेगा कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस, अगर कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आपको ये जो डायलर ऑप्शंस है डायलर ऑप्शंस पर आपको एक लॉन्ग प्रेस करना होगा, मिलेगा ऐप इन्फो, तो ऐप इन्फो पर आपको प्रेस करना होगा, तो मिलेगा फर्स्ट स्टॉप, तो फर्स्ट स्टॉप करना होगा, तो मिलेगा आपको यूज स्टोर्स पर क्लियर कैच करना होगा, क्लियर डाटा करना होगा। ये सब करने के बाद फिर से आपको एक डायलर ऑप्शंस है डायलर ऑप्शंस को ओपन कीजिए, तो मिलेगा थ्री डॉट पर प्रेस करना होगा, मिलेगा सेटिंग्स को प्रेस करना होगा, तो आपको मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस। देखिए कॉल रिकॉर्डिंग, तो कॉल रिकॉर्डिंग पर प्रेस करना होगा, नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट्स इस ऑप्शन को ऑन करना होगा, ऑलवेज रिकॉर्ड करना होगा। ये करने के बाद क्या होगा, जो नंबर आपके सेट पर सेव नहीं है उस नंबर से अगर कॉल आप करती हो या कॉल रिसीव होता है, ये कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा अपने आप, कोई भी मैनुअल स्टार्ट बटन प्रेस नहीं करना होगा, अपने आप कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी नंबर सेव है उस सेव नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो सिलेक्टेड नंबर्स पर प्रेस कीजिए, ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर इस ऑप्शन को आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद चॉइस एक कॉन्टैक्ट पर प्रेस करना होगा, आप जो कॉन्टैक्ट पर कॉल रिकॉर्डिंग करना है उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपको इधर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट होने के बाद जब आप किसी भी के साथ बात करेंगे उस समय आपका ये कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी मैनुअल प्रेस नहीं करना होगा। तो देखिए कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप स्टार्ट हो चुका है, इस तरह आप कॉल रिकॉर्डिंग को कर पाएंगे। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है, आपका सेट पर जो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है अगर आपको ये सुनना है, कैसे सुन पाएंगे, जो नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है उसी नंबर पर आपको प्रेस करना होगा, करने के बाद आपका मिलेगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पर प्रेस करना होगा, करने के बाद जितना भी कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है इस तरह आपको उस कॉल रिकॉर्डिंग को इधर से आप सुन पाएंगे, साथ में शेयर भी आप कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।